तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखोगे बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में, तो ये क्या कह रहे हैं, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक में सरफेस इज फ्रिक्शन लेस। ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, यहाँ म्यू जीरो है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है। सिंपल हार्मोनिक स्प्रिंग मास सरफेस स्प्रिंग है। इन द ब्लॉक का मास 1 kg, इस ब्लॉक का मास 1 kg अपना दिया हुआ है। वेन द ब्लॉक 1 kg, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1। मतलब अगर ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यहाँ मीन पोजिशन मान के टू एंड फ्रो, तो इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है। ठीक है ना, बात समझ में आया। ओमेगा 1 है जब मास कितना है, वेन मास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है जब मास 1 kg है। अब जब मास ओमेगा 2 हो जाएगा, जब मास 2 kg हो जाएगा, तो ये पूछ रहे हैं ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की रेशियो निकालनी है मेरे भाई। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि ओमेगा और मास में रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो हम सबको पता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के वाई एम अपॉन अंडर रूट फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अगर आप बात करोगे तो ये ओमेगा होता है। तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो सेम है, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m अंडर रूट। ओमेगा अपन इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/ अंडर रूट, मतलब ओमेगा 2/ω1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1/m2 और ये सब कुछ अंडर रूट। तो m1/m2 की जो वैल्यू हो जाएगी, m1 कितना है, ये वाला जो मास है वो फर्स्ट टाइम मास m1 था और ये मास m2 है, तो m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और m2 की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये सब कुछ अंडर रूट। मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो ओमेगा 2/ω1 की जो वैल्यू आ जाएगी, हाँ ओमेगा 2/ω1 तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ ठीक तो है, तो 1/√2 मतलब 1:√2 इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से देखोगे हो द मास m1 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ω1 एंड मास m2 व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ω2, मतलब अपना सेकेंड ऑप्शन यहाँ बन जाता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।